अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 का पार्ट टू करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट वन किया था, जिसमें हमने इसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम पार्ट टू में क्वेश्चन नंबर 3 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी गई है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब ये है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी गई है जो सर्किल के एक पॉइंट को टच कर रही है। तो हमने ऐसे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जो कि इस सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए पास हो रही है, और उसका स्लोप है √3। तो स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को लेट करना है। लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये स्ट्रेट लाइन होती है टेंजेंट की लाइन, तो इसकी इक्वेशन हमारे पास होगी y इज इक्वल्स टू mx प्लस बी। इक्वेशन ऑफ लाइन यही होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस बी। यहाँ पे हमें स्लोप गिवन है इस लाइन का, इट इज गिवन दैट द स्लोप इज इक्वल्स टू √3 x प्लस बी। इसको हमने नाम दे दिया, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी हमारे पास, ये जो सर्किल की इक्वेशन थी। यहाँ पे मेंशन भी कर दें, इक्वेशन ऑफ सर्किल इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 36। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, ये वैल्यू y की उठानी है और इक्वेशन 1 में पुट करनी है। पुट y इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर, y की जगह पे आ जाएगा √3x प्लस बी इज इक्वल्स टू 36। अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या होगा ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या लिखेंगे √3x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह पे आ जाएगा √3x, b की जगह पे ये b ही रहेगा प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। फॉर्मूला ओपन कीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, √3 है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होके ये रह जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2√3 बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। ये यहां से हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये हमारे पास है 2√3 बी, ये एक्स, और बाकी ये मेरे पास कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, बी स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब मुझे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेंगे, क्योंकि टेंजेंट तभी होता है जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। तो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 4, जब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करवाएंगे हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, 2√3b, और सी आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 36, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है ये इक्वल होनी चाहिए 0 के। तो बी क्या है मेरे पास, 2√3b का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे आ जाएगा 4, और सी की जगह पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 36, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2√3b का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 के ऊपर स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होके सिर्फ 3 रह जाएगा, और बी स्क्वायर 4 4 16, बी स्क्वायर माइनस 36, 4 3 जा ये हो जाएगा 12b² माइनस 16b² माइनस माइनस प्लस 36, 16 जा 576 इज इक्वल्स टू 0। 12 माइनस 16 ये हो जाएगा माइनस 4b² प्लस 576 इज इक्वल्स टू 0। यहां से अगर मैं b की वैल्यू निकालूं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576/4, और 576/4 को करें तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, और मुझे सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, तो उसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 12, राइट। तो इस तरह से हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करी, जो कि प्लस 12 भी हो सकता है माइनस 12 भी हो सकता है। स्टूडेंट, ये चीज याद रखिएगा कि हमने इसको इक्वल्स टू 0 क्यों किया, बिकॉज
द लाइन इज, बिकॉज द लाइन इज टेंजेंट टू द सर्किल, राइट। ये चीज आपने याद रखनी है कि जो लाइन है हमारे पास वो टेंजेंट टू द सर्किल है, देयरफॉर इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड इक्वल्स टू जीरो। दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर इसको इक्वल्स टू जीरो कर दिया तो यहाँ से हमने बी की वैल्यू निकाल ली जो कि आ गई +-12। अब इक्वेशन टू में हम जब बी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो अब इसके बाद लिखिए कि पुट दिस वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर टू, पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर टू, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू √3x +-12। यानी कि दो इक्वेशन आएंगी, इसको इस तरह से भी इसको आंसर में लिख सकते हैं, या फिर वाई इज इक्वल्स टू √3x +12 को अलग कर दें और दूसरी इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल्स टू √3x, यहाँ पे लिख दें -12। तो ये दोनों वो इक्वेशंस हैं जो हमारे सर्किल की इक्वेशन, जो सर्किल है हमारे पास वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, ये दोनों लाइंस इसके टेंजेंट होंगी। इसको हम ड्रॉ करके भी देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं है, ये सिर्फ हम वेरिफिकेशन के लिए काम करेंगे। तो जब इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये आएगा। ये देखें, ये हमारे पास सर्किल की इक्वेशन है। सर्किल की इक्वेशन क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, और ये हमारे पास दो लाइंस हैं। ये वाली लाइन है मेरे पास जो अभी हमने निकाली है वाई इज इक्वल्स टू √3x+12 की, और ये वाली है वाई इज इक्वल्स टू √3x-12 की। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों लाइन इस सर्किल के टेंजेंट है, यानी कि एक ही पॉइंट को टच करते हुए जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट की है बिल्कुल ठीक है, कि ये हमारे पास जो गिवन सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, इसी को ही टच करते हुए ये दोनों लाइन हमारी पास हो रही है, एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। इसका मतलब है कि ये हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सही फाइंड आउट की है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर फोर शुरू करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर फोर में हमसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी पूछी गई है और नॉर्मल लाइन भी पूछी गई है। तो यहाँ पे स्टूडेंट पार्ट वन में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि टेंजेंट लाइन क्या होती है और हमारे पास नॉर्मल लाइन क्या होती है। लेट से ये हमारे पास सर्किल है और कोई भी ऐसी लाइन जो सर्किल को एक पॉइंट से टच करते हुए जा रही है, तो ये तो हमारे पास हो गई टेंजेंट लाइन। नॉर्मल लाइन ये होती है कि हमारे पास लेट से यहाँ पे कोई इसका सेंटर है सर्किल का, कोई भी ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ सर्किल से इस टेंजेंट लाइन को टच करते हुए इस पे 90 का एंगल बना रही है, तो वो लाइन हमारे पास नॉर्मल लाइन कहलाती है। यानी कि वो लाइन कुछ इस तरह से हमारे पास होगी जो सेंटर से भी पास हो रही है और हमारे टेंजेंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये वाली लाइन हमारे पास नॉर्मल लाइन कहलाती है। ये नॉर्मल लाइन है और ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है। तो बेसिकली हमने इन दोनों की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास सर्किल का एक पॉइंट गिवन है कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जो कि कोई भी सर्किल का .1, -4 है, और सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17। तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17, इसको सबसे पहले हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करने से हमारे पास इसका स्लोप आएगा, हमें स्लोप बेसिकली चाहिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 2x। अब हम एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं और ये वाई है, तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा dy/dx। और जब 17 पे कांस्टेंट नंबर पे डिफरेंशिएट हम लेंगे 17 का, तो ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहां से dy/dx इसके इक्वल आ जाएगा, ये 2x इधर जाएगा तो -2x हो जाएगा, और ये 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 2y डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो मेरे पास सिर्फ -x/y आ गया, राइट। तो अब यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकालने जा रहे हैं, लाइन स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हम निकालने जा रहे हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालने जा रहे हैं, और किस पॉइंट पे, पॉइंट हमें गिवन है -1, -4 पे। तो ये जो dy/dx है
जिसको हम m1 भी कह सकते हैं, तो m1 किसके इक्वल आ गया, माइनस x की जगह पे ये x का पॉइंट जो कि 1 है, और y की जगह पे y की वैल्यू जो कि -4 है। तो m1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई, 1/4, और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ m1 की वैल्यू आ गई 1/4। तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप भी आ गया, और जब स्लोप आ जाए और एक पॉइंट भी आपके पास गिवेन हो, तो यहाँ पे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज कर सकते हैं, फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि हम टेंजेंट लाइन मालूम करने जा रहे हैं। टेंजेंट लाइन एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है, तो फॉर्मूला हमने लिख दिया y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन वाई वन की वैल्यू गिवन है, एक्स वन की वैल्यू है मेरे पास 1, वाई वन की वैल्यू है -4, और स्लोप जिसको मैं एम वन कह रही हूँ इसकी वैल्यू भी आ गई 1/4, ये एम वन है। तो वाई वन की वैल्यू है -4, एम वन जो के है 1/4, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू है 1। तो 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, वाई प्लस 4 से, और इस साइड पे एक्स माइनस 1। तो 4 को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 4 4 16 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। अब ये एक्स है, 4y जब राइट साइड पे आएगा तो -4y हो जाएगा, 16 जब राइट साइड पे आएगा तो -16 हो जाएगा, -1 के साथ मिला के -17 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से लिख लें, या फिर एक्स माइनस 4y इज इक्वल्स टू 17 इस तरह से लिख लें। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट? तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, दिस इज माय इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। और स्टूडेंट आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये जो नॉर्मल लाइन है इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास टेंजेंट का स्लोप मौजूद है तो नॉर्मल लाइन का स्लोप इसके नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। यह हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगे तो इनके स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे। तो यहाँ पे पॉइंट यही रहेगा, पॉइंट क्या है, 1 -4 का पॉइंट ही रहेगा, बस स्लोप की वैल्यू चेंज होगी, और स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल टू एम वन, और ये हमारे पास हो जाएगा फॉर नॉर्मल लाइन। इसके स्लोप को हम कह दे देते हैं M2, इसका स्लोप होगा M2 जो कि नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा इसके टेंजेंट लाइन के। तो M2 की वैल्यू आ जाएगी, वो था 1/4, तो ये हो जाएगा -4। तो इसके स्लोप की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, और पॉइंट वही रहेगा क्योंकि पॉइंट तो दोनों का सेम है, X1 है उसमें 1, y1 है वहां पे मेरे पास -4, और m2 है मेरे पास -4। नाउ पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू, अब m2 लिखेंगे क्योंकि हमने नॉर्मल लाइन के स्लोप को m2 कहा है, x माइनस एक्स वन। y1 की वैल्यू है -4, m2 है मेरे पास -4, x माइनस एक्स वन है 1। तो ये हो जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल्स टू -4x माइनस माइनस प्लस 1। इसको आप लेफ्ट साइड पे ले जाइए तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 1 4 होगा ना, प्लस y, अब ये भी प्लस 4 है ये भी प्लस 4 है, इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन आ गई है। सिर्फ हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये किया कि जो टेंजेंट लाइन का स्लोप था वो परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल लाइन के स्लोप, मतलब हमारे पास जो टेंजेंट लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है नॉर्मल लाइन के। तो हमने सिंपल क्या किया, इनके स्लोप को नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दिया, बस स्लोप जब चेंज किया पॉइंट हमारे पास सेम ही था। तो इस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड आउट कर ली है। अब इसी का हम पार्ट टू करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का, और पार्ट टू में हमारे पास उसी तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करनी है। और अब जो पॉइंट है वो 4 1 है, और सर्किल की इक्वेशन मेरे पास है x स्क्वायर
इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, राइट? दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y और डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा क्योंकि चेन रूल अप्लाई होगा क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं. 4x को डिफरेंशिएट कीजिए तो सिर्फ 4 आ जाएगा प्लस 2y को डिफरेंशिएट कीजिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स, 3 कॉन्स्टेंट है डिफरेंशिएट करेंगे तो 0. तो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो 2y प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास कॉमन आ जाएगा. 4 जब राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस 2x हो जाएगा. तो यहां से मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा 4 माइनस 2x और डिनोमिनेटर में क्या है 2y प्लस 2. यहां से दोनों ऊपर से भी 2 कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 2 टू ज 4 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा तो वाई प्लस 1. तो मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा फाइनल 2 माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस 1, राइट? अब मुझे ये चाहिए पॉइंट हमें गिवन है एक्स और वाई का तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट 4,1 तो जिसको हम M1 कह रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 वाई की जगह पे 1 प्लस 4. 2 माइनस 4 इज माइनस 2, 1 प्लस 1 इज 2. तो M1 की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस 1. तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन मेरे पास आ गया. अब मुझे पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हुए वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन. पॉइंट भी गिवन है 4,1, एक्स वन की वैल्यू यहाँ पे है 4 और वाई वन की वैल्यू है 1. सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं वाई माइनस वाई वन की जगह पे 1, एम यानी के स्लोप माइनस 1, एक्स माइनस 4 तो ये हो जाएगा वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 4. तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी एक्स जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा माइनस 1 के साथ माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई है, राइट? टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई है. अब नॉर्मल लाइन के लिए क्या करेंगे, ये जो स्लोप हमारे पास है माइनस 1 हम ये क्लेम करेंगे कि लाइंस आर परपेंडिकुलर सो देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल. फॉर नॉर्मल लाइन स्लोप इसको हमने M2 कहा, M2 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन M1 बिकॉज द लाइंस आर परपेंडिकुलर एंड देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल टू ईच अदर. हमने ये मेंशन भी कर दिया. तो M1 हमारे पास था माइनस 1, M1 की जगह पे जब माइनस 1 पुट किया तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो M2 की वैल्यू आ गई प्लस का 1. तो स्लोप आ गया मेरे पास नॉर्मल लाइन का और पॉइंट तो वही है X1 Y1 की वैल्यू तो अभी भी वही है, X1 है मेरे पास 4 और Y1 है मेरे पास 1. तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करते हैं वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन. तो Y1 की वैल्यू है 1 और स्लोप की वैल्यू है 1 एक्स माइनस 4 तो ये हो जाएगा वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 4. अब ये एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है वाई जब इधर आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, माइनस 1 जब राइट साइड पे आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा
माइनस 4 + 1 इज -3 इज इक्वल्स टू 0। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो टेंजेंट लाइन का अगर आपने स्लोप निकाल लिया है बाय यूजिंग द इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, तो आप उसकी हेल्प से अपने टेंजेंट लाइन का भी स्लोप निकाल सकते हैं, सिर्फ ये कह के कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, सो देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल टू ईच अदर। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछी गई है। टेंजेंट लाइन की जो लेंथ है 6 1 से लेके इस सर्किल तक की लेंथ हमसे पूछी गई है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने फॉर्मूला याद रखना है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन ये किसके इक्वल है, अंडर रूट x1 स्क्वायर यानी कि जो पॉइंट हमें गिवन है, प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c के। अब मुझे यहाँ से x1 y1 की वैल्यू चाहिए, तो x1 y1 तो बेसिकली ये जो पॉइंट हमें गिवन होगा वो होगा, x1 की वैल्यू है 6 और y1 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1। और ये जो सर्कल की इक्वेशन है, जब मैं इसको कंपेयर करूंगी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो यहाँ पे g और f तो है ही नहीं। जी और एफ क्यों नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारे पास x2 + y2 + 2gx + 2fy + c = 0। तो यहाँ पे मेरे पास जी भी नहीं है, एफ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है, x2 + y2 - 4 = 0। तो जी की वैल्यू 0 है, एफ की वैल्यू 0 है, लेकिन सी की वैल्यू मौजूद है और सी की वैल्यू है -4। तो ये सारी वैल्यूज उठाएंगे और अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूले में x1 की जगह पे हम पुट करेंगे 6 का स्क्वायर, y1 की जगह पे 1, g जब 0 है तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, f 0 है तब भी ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, c की जगह पे -4। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 6 1 टू दिस सर्किल, 6 का स्क्वायर इज 36 + 1 - 4। 36 + 1 इज 37 एंड 37 - 4 इज अंडर रूट 33 यूनिट, राइट। तो हम किस तरह से इसको आंसर लिखेंगे, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 6, 1 टू द सर्किल इज 33 यूनिट्स। अब इसी का पार्ट टू करने जा रहे हैं, और पार्ट टू में जो पॉइंट हमारे पास गिवन है ये है 2, 5 और सर्किल है हमारे पास ये, और हमने उसी तरह से लेंथ ऑफ टेंजेंट ही फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम जब सर्किल की इक्वेशन को इससे कंपेयर करवाएंगे, तो हमारे पास x² है तो ये भी x² है, y² है तो ये y² है, तो यहाँ से 2g की वैल्यू आ गई 8 और g की वैल्यू आ जाएगी 4, क्योंकि 8 / 2 = 4। f की वैल्यू आ जाएगी -5 और इसी तरह से f की वैल्यू आ जाएगी -5/2, और कांस्टेंट जो c है ये आ जाएगा -7, राइट। और x1 की वैल्यू गिवन है, x1 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है हमारे पास 5। ये सारी वैल्यूज उठाएंगे और अपने लेंथ ऑफ टेंजेंट के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो x1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, g की जगह पे हम पुट करेंगे 4, x1 इज 2, 2f की वैल्यू है -5/2 और y1 की जगह पे पुट करेंगे हम 5 प्लस c यानी कि c की वैल्यू है -7, राइट। तो यहां से हम पार्टीशन कर देते हैं ताकि मिक्सअप ना हो। तो अब यहाँ पे हमारे पास सॉल्व कर लीजिए, 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, 5 का स्क्वायर 25, 2 2 जा 4, 4 4 जा ये हो जाएगा 16, 2 से 2 कैंसिल हुआ, -5 5 जा 25, -7। अब इन वैल्यूज को आप कैलकुलेटर में डालिए सिंपल, तो ये आपके पास आ जाएगा √13 यूनिट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 2, 5 टू द गिवन सर्किल फाइंड आउट कर लिए, जो कि आया है 13 यूनिट। दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन फ्रॉम 2, 5 टू दिस सर्किल।
तो स्टूडेंट यहाँ पे हम वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके रिमेनिंग पार्ट्स देखने के लिए मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।